Welcome back friends, today we'll be learning valency. So before we learn valency, let us see how bonds are formed, how electrovalent bonds are formed or how a molecule is formed. ठीक है, तो सबसे इजी वाला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का. लेट अस लर्न द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके, नाउ व्हाट इज द ठीक है, लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, क्या है? 281. ओके, 281 एंड क्लोराइड का क्या है? 287. ओके, लेट अस ड्रॉ. तो देखो ये न्यूक्लियस है, करेक्ट? देन देयर आर टू, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड ऑर्बिट. इन द थर्ड ऑर्बिट कितने हैं? 1. ठीक है, एंड क्लोराइड का भी सेम है, 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन द लास्ट ऑर्बिट इट हैज 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो देखो दिस इज व्हाट सोडियम, दिस इज व्हाट क्लोराइड. ठीक है, नाउ सोडियम हैज वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 281. मींस दिस इज द न्यूक्लियस, द प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियंस आर सॉरी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हियर. इसका ये न्यूक्लियस है, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हियर. नाउ ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच वी वर टॉकिंग यस्टरडे विद द इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नाउ इट इज 281 एंड दिस इज 287, करेक्ट? तो ये सोडियम है, क्लोरीन है. नाउ हाउ डू दे कम टुगेदर? नाउ फॉर दिस सोडियम और क्लोरीन बोथ ऑफ देम टू बिकम स्टेबल दे शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. मतलब ये इसको 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ही है. अगर ये एक चला जाता है तो ये ऑर्बिट का ऑटोमेटिकली कोई काम नहीं, दिस ऑर्बिट विल बी गॉन एंड देयर विल बी 8 इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. Na विल बी हैप्पी, मींस व्हाट? Na वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस वन. एंड क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के पास 7 है, तो क्लोरीन बोलता है एक मिल जाए तो हो गया, अगर एक मिल जाएगा तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, ऐसा क्लोरीन सोच रहे है ना. सो बेसिकली Na was to give off this, because when it will give off this electron, what will happen? ये orbit चला जाएगा and it will become 28, है ना? सिर्फ 28 रह जाएगा and there will be 8 in the outermost orbit and Na will be stable. Whereas if this gets one, then it will be also stable because इसके last orbit में 8 electrons हो गए. तो ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, ये लोग ऐसे रोड पे चल रहे हैं, एक दूसरे को दिखता है, Na को Cl दिखता है. Na बोलते हैं Cl डू यू वांट वन इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ वन, है ना? तो Cl भी सोचता है कि हाँ मैं इसे ले लूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना. फॉर Na इट इज वेरी टफ टू गेट 7 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल जस्ट गिव अवे वन. फॉर Cl इट इज वेरी टफ टू गेट रिड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स, वो बोलते हैं उससे अच्छा एक ले लूँ तो काम हो जाएगा, करेक्ट? सो व्हाट दे डू, दे डू अ डील. वो Na क्या बोलते हैं कि ये मेरे को एक्स्ट्रा है, इसके वजह से प्रॉब्लम है. ये इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये Cl को दे देता है. ओके, नाउ Na का क्या हो गया? देखो ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, देखो इधर गोल कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, करेक्ट? अभी Cl क्या हो गया? देखो 288 हो गया, करेक्ट, है ना? नाउ Cl इज स्टेबल. व्हाट हैपेंड टू Na? Na बिकेम 28. Na इज आल्सो स्टेबल. देखो ये इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, करेक्ट? दिस इज आल्सो स्टेबल एंड दिस इज आल्सो स्टेबल. तो दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म NaCl, क्योंकि वो लोग एक साथ आएंगे, दोस्ती बन गई, क्योंकि Na हैज Cl एंड Cl हैज आल्सो Na.
अगर इन्हें देता नहीं था तो सी एल कैसा हो जाता था, ये कंप्लीट ऑर्बिट है ना, और अगर सी एल एक्सेप्ट नहीं करता था देन व्हाट वुड हैपन टू एन ए, एन ए वुड ऑल्सो नॉट बिकम स्टेबल, सो बोथ हैव हेल्प्ड ईच अदर इन बिकमिंग स्टेबल एंड दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ बॉन्ड दैट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता दो। नाउ सी, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना रे, देखो वन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हियर टू हियर, करेक्ट, मतलब ये क्या हो गया, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन से वैल्यू कम हो गया, सो दिस बिकेम Na पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ Na पॉजिटिव? Na पॉजिटिव क्यों हो गया ये, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन इज गॉन देयर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज, करेक्ट, सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया Cl माइनस। अब ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे तो बन जाएगा NaCl। ओके, व्हाई दे आर कमिंग टुगेदर, बिकॉज़ ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ Cl Na NaCl, दैट इज एन व्हाट वी से मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो दिस इज अ सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म, इसमें क्या किया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, करेक्ट, सो we can say that the valency of Na is 1 and the valency of Cl is also 1. समझ में आया valency क्या है? So in your textbook what are they saying about valency? The capacity of an element to combine is called valency. So what is the capacity of the element to combine? इसका क्या 1 है और इसका भी 1 है, that is valency. Valency of an element is indicated by a specific number. It is the number of chemical bonds formed by one atom of an element with other atoms. In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out valencies of elements. In the 20th century, the relationship of valency of an element with the electronic configuration was recognized. So what are they saying? See, sodium 281 is giving one electron to become 28, है ना? देखो sodium पहले गया था 281, it is giving one electron to become 28, and this one is taking one electron to become Cl minus. Okay? So sodium gives away one electron out, and a cation of sodium is formed. Now what do you mean by cation? These are all ions. Ions means what? Whenever there is charge on an atom, it becomes an ion, है ना? ये पहले क्या था sodium, it was just an atom of sodium, है ना? What was this? This was an atom of chlorine. But जब ही atom पे charge आ जाता है, हम उसको बोलते हैं ion. Now ion के दो प्रकार होते हैं. This is positive ion and this is negative ion. Correct? Now positive ion is known as cation and negative ion is known as anion. ठीक है? So, and the cation of sodium is formed. Hence, the valency of sodium is 1. A chlorine atom takes one electron and forms an anion of chloride. And thus, the valency of chlorine is also 1. After the give and take of electrons is over, the electronic configuration results has a complete octet. इसको भी complete octet हो गया. Octet means what? 8 electrons. और इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो कंप्लीट ऑक्टेट इज फॉर्म। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस द कंपाउंड NaCl इज फॉर्म। ठीक है? नाउ वो क्या बोल रहे हैं, दस सोडियम एटम हैज द कैपेसिटी टू गिव अवे वन इलेक्ट्रॉन व्हाइल अ क्लोरीन एटम हैज द कैपेसिटी टू टेक अप वन इलेक्ट्रॉन, दिस मीन्स द वैलेंसी ऑफ बोथ ऑफ देम इज 1। फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक definition of valency is as follows. The number of electrons that an atom of an element gives away or takes while forming an ionic bond is known as valency of them of an element. Okay? अभी देखो ये science capsule जो box में दिया हुआ है MgCl2, we will study how the bond of MgCl2 is also formed. ठीक है? तो Mg का क्या होता है देखो, if you see, we will draw only the outer orbit now. If you see the outer orbit of Mg, there are 2 electrons. है ना? तो it is 2, 8, 2. Okay? And Cl क्या है?
It has one electron here in the outermost orbit, sorry, 7 electrons. और एक सी एल ए, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट? तो दिस इज व्हाट 287 सी एल एंड दिस इज आल्सो सी एल 287, करेक्ट? परफेक्ट। और ये क्या है एम जी, ठीक है अच्छे से निकल ही देते जाने दो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 282, ये क्या है न्यूक्लियस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके सिमिलर हियर न्यूक्लियस, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करेक्ट। तो देखो क्या होता है, अभी इसको दो, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम है, टू इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, सो व्हाट मैग्नीशियम विल डू, मैग्नीशियम विल, पर इसको तो एक ही लेना है, क्लोरीन को तो एक ही जरूरत है, तो रास्ते से जा रहे क्लोरीन, जा रहे मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज मीटिंग क्लोरीन, बोल रहे अरे क्लोरीन मेरे पास दो एक्स्ट्रा ले ले, क्लोरीन बोलते नहीं नहीं मेरे को एक ही चाहिए, नहीं तो मैं एक से ही स्टेबल हो रहा हूँ, मुझे दो दो नहीं चाहिए, बोल रहे अरे देन व्हाट टू डू यार, तू एक ले लेगा मैं एक का क्या कर लूंगा, क्लोरीन बोलते मेरा और एक भाई है वो भी अनस्टेबल है, उसको भी लेके आता हूँ साथ में, तो हम लोग उसको भी दे देने तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक एटम सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ही विल गिव द फर्स्ट क्लोरीन एंड वन इलेक्ट्रॉन ही विल गिव टू द सेकंड क्लोरीन। अब ये कुछ हो गया, क्या हो गया ये 28, पर ये क्या हो गया Mg only 28, करेक्ट? Now, two electrons have gone. Because two electrons have gone, what will be the charge on this? ये हो गया double plus, Mg double plus, ये क्या हो गया? ये हो गया, अभी हो गया 288, Cl minus, और ये भी हो गया Cl minus, 288, correct? And this is how MgCl2 is formed. What do you mean by MgCl2? एक magnesium, और दो क्लोरीन, वन मैग्नीशियम एंड टू क्लोरीन एटम्स हैव कम टुगेदर टू मेक दिस मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके नाउ इन दिस होल स्टोरी दैट वी सॉ, मैग्नीशियम क्या हो गया ये प्लस प्लस हो गया, अभी ये Cl- हो गया। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इन दिस, द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। क्यों? क्योंकि इट हैज टू गिव अवे द टू इलेक्ट्रॉन्स, ओनली देन इट विल बिकम स्टेबल, करेक्ट? सो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, वेयर एज अगेन द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, क्योंकि यहां पे एक ही लिया है क्लोरीन, इधर भी एक ही लिया है 1, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट वैलेंसी। ओके बट इफ यू सी वेरी केयरफुली, देखो MgCl2 है ना, देखो अगर नंबर लिखा तो MgCl2 और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके इफ यू सी इसका वैलेंसी इधर आता है और इसका वैलेंसी इधर आता है, देखो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। नाउ सपोज इफ यू टेक एनी अदर, फॉर एग्जांपल यू टेक H2O, ठीक है, तो लिख दिया H H2O ऐसा, तो H का वैलेंसी 1, O का वैलेंसी 2, सो दिस इज हाउ दे फाइंड आउट द वैलेंसीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर फाइंडिंग आउट द वैलेंसीज। तो ये वाला फंडा समझो तुमको, इफ यू गिवन एनीथिंग, तुमको अगर सपोज दिया हुआ है CO2 तो कैसे लिखेंगे, सपोज भी CO2 है तो CO, C का क्या वन है, O का टू है, C का ओके विल नॉट डू CO2। यहाँ तक तो समझो तुम लोगों को MgCl2 एंड H2O, यहाँ तक समझा, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट वैलेंसी। सो बेसिकली व्हाट इज वैलेंसी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम इधर गिव्स और टेक्स इज द वैलेंसी। ओके नाउ ये तुमको बहुत अच्छे से समझा है वैलेंसी। नाउ देयर इज अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 54 व्हिच टॉक्स अबाउट वेरिएबल वैलेंसी।
under different conditions the atom of some elements give or take up different number of electrons. In such cases those elements exhibit more than one valency. This property of elements is called variable valency. Okay, now ye log moody log rehte, tumhare bhi rahenge na ghar mein koi log moody rahenge. So you might be having friends who are moody. Okay, if they are happy, they are very happy, hai na, they will give you a party, they will throw a party. Otherwise if they are sad, then they might even behave in a different way. Similarly in mein bhi aisa rehta hai kabhi kabhi. तो ये इसमें से का एक क्या, देखो इफ वी सी आयरन, आयरन एग्जिबिट्स द वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ 2 एंड 3. सो समटाइम्स इट गिव्स 2, समटाइम्स इट गिव्स 3. तो वो कैसा बनाते हैं कभी कभी, FeCl2 एंड FeCl3. सो इन दिस केस देखो Fe, इफ यू सी केयरफुली नाउ, इन FeCl2 देखो FeCl 2, तो Fe की वैलेंसी क्या है, इसमें 2 है, क्लोरीन की तो 1 फिक्स है. इन FeCl3 Fe की वैलेंसी 3 है. नाउ हियर आयरन, आयरन मींस दे आल्सो कॉल्ड इज फेरिक एंड फेरस. इसको बोलते हैं फेरिक, इसको बोलते हैं फेरस. विल नॉट गो मच इन डिटेल, बट आयरन दैट इज Fe हैज अ वेरिएबल वैलेंसी दैट इट कैन बी इधर 2 और 3. लेकिन ये सबके लिए नहीं है, this is only for some limited atoms who have variable valency. तुमको exam में इतना ही है, ज़्यादा नहीं है. okay, so in today's class what did we see, we saw valency and we saw what is variable valency. one more thing is there, that is the number of valence electrons. अभी valency और valence electrons में mix नहीं होंगे. देखो अभी look at chlorine, its valency is 1, but how many electrons are there in the outermost orbit? 7. So number of electrons in the outermost orbit are known as the valence electrons. So iske valence electrons kitne hain? 7, but valency is what? 1. Iske valence electrons kitne hain? 2. Valency is what? 2. Valence electrons is a completely different concept. Valency is a completely different concept. इन दोनों को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे. तुमको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझा, बहुत इजी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट इज वी लर्न व्हाट इज वैलेंसी, वी लर्न व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन वी लर्न व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी. नाउ लेट्स कम टू रेडिकल्स. नाउ बेसिकली देर इज नॉट मच टू टीच अबाउट रेडिकल्स. सी whenever now this reaction is happening, ये जो बन गया Mg++, this is a radical. ये जो Cl- बन गया, this is a radical. ये Cl- बन गया, this is a radical. means what? अभी तुम्हारे पास suppose MgCl2 है, है ना? इसको तुम लोग अलग अलग करोगे तो क्या मिलने वाला है तुमको, Mg++ and Cl- Cl-. this is what you are going to get. basically if you separate MgCl2, so these all are known as radicals. you will read it till page number 55, understand, and if you have any doubt you can call me. so with this we are done with this chapter. ye jo maine tumko sikhaya tha, ye this is given on page number 56 in this green box. you can go through and you can understand it and you can do the questions. okay, so in the next class we will start with the new chapter, acids, bases and salt. till then stay home, stay safe.